हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोपिंग स्लैब आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये देख लेना है कि ट्रैक के सेंटर से जो एक सीधी लाइन में डिस्टेंस जो लगेगा ट्रैक के सेंटर से, कितने डिस्टेंस पे ये कोपिंग स्लैब लगेगा, इनर फेस वो कितना होना चाहिए। तो ये ब्रॉड गेज अधिकतर लगता है, ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो ब्रॉड गेज का पहले इनर टू इनर डिस्टेंस होता है 1676, ठीक है। तो उसके सेंटर से इसके फेस तक कोपिंग स्लैब का जो लग रहा है कोपिंग स्लैब, उसके फेस तक 1676 mm मिलना चाहिए। लेकिन हम जो धागा बांधेंगे वो बांधेंगे 1671 पे, 5 mm का गैप लेके, क्योंकि अगर हम सटा के बांध दें पूरा सूता तो वहाँ पे लाइन टेढ़ा होने का डर बना रहता है, इसलिए 5 mm का गैप लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोपिंग स्लैब कैसे फिक्स हो रहा है, उसके लिए नीचे मोटर लगाया गया है और मोटर हिसाब से उतना ही लगाया जाता है जितना कोपिंग के नीचे आएगा। अप्रोक्सीमेट 40 mm आता है, उसके बाद कोपिंग स्लैब रख के चेक किया जाता है कि कैसा है। अब लेवल चेक करने के लिए आप लेवल मशीन से भी चेक कर सकते हैं, और अगर पीछे कोपिंग पहले से लगा है तो एक प्लेन सा कोई पत्थर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ग्रेनाइट लिया गया है, वहाँ से एक साइड में चेक हो जा रहा है, दूसरे साइड में कोटा लग गया है, तो वहाँ पे प्लेन सी एक पटरी रखी गई है जो कि एक लेवल की है, उससे कोटे पे एक हिस्सा रख के दूसरा हिस्सा पीछे वाले कोपिंग स्लैब पे रख के चेक हो जाएगा। अभी वो सब वीडियो में आप देखेंगे। अब ये मोटर को एकदम लेवल करने के बाद घोला डाल देना है इसके, ठीक है। घोला डालने के बाद बढ़िया से इसमें क्रॉस लगा देना है करने से, इससे क्या होगा बढ़िया से पकड़ाएगा। अगर कई लोग क्या करता है, खाली घोला डाल के डायरेक्ट किस पे चपका देता है, तो उससे ज़्यादा बढ़िया बॉन्डिंग नहीं आती है। इस तरह से क्रॉस करने से अच्छी बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर इसे रख देना है। रखने के बाद कोपिंग स्लैब को इसके ऊपर रखने के बाद अब इसका लाइन देखना होगा और लेवल देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे लाइन थोड़ा सा मिल नहीं रहा है तो इसे ठेला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी वजन होता है, लगभग 100 kg के आसपास होता है, तो एक आदमी से दिक्कत होता है ठेलने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट के पत्थर से इसका लेवल चेक हुआ एक पत्थर से रखने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ हाइट आया तो इससे ये ठोक के इसको हल्का सा डाउन किया जा रहा है, जितना ये हाइट आ रहा है अंदाजन, ठीक है। तो लगभग इससे पता चल गया, और सूता जो ये धागा बना गया है उसी के टॉप लेवल पे लगभग बांधा गया है, ठीक है। अब इसके बाद पीछे वाले हिस्से को देखिए, कोटा जो लग गया है वहाँ सही से चेक हो जा रहा है, हल्का सा टकरा जाएगा या फिर हल्का डाउन है इस तरह से पता चल जाएगा, नहीं तो आपको लेवल मशीन लगाना पड़ेगा। ये देसी तरीका है चेक करने का। अब इसके बाद अगर लेवल आपका क्लियर हो गया तो अब चेक करना होता है धागा, धागा लाइन में है कि नहीं है। तो उसके लिए 5 mm का गैप रखा गया है, और 5 mm का ये पतला सा एक टुकड़ा रखा गया है रबड़ का, उससे चेक हो जाएगा। अगर धागा के अंदर ये चला जाता है बढ़िया से, जहाँ पे थोड़ा भी नहीं टकराता है, तो वो सही है। देखिए इस हिस्से पे हल्का सा टकराया तो इसको ठोक के हल्का सा अंदर किया जाएगा, ठीक है। हल्का सा अंदर किया गया और यहाँ पे लेवल में ये आ गया है, ठीक है। तो हमने इसको दिखाया आपको कैसे फिक्स करना है। अब इसी वीडियो में हम लास्ट में एक वीडियो अटैच कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कोपिंग स्लैब कास्ट कैसे होता है, ठीक है, कोपिंग स्लैब प्रीकास्ट कैसे होता है।